डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपके सामने आज अगेन डेफिनेट इंटीग्रेशन के टॉपिक के साथ हूँ और आज मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग चूज किया है। लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स, या ऐसे कही कि टॉपिक्स को इन डिटेल नहीं डिस्कस करने वाले हैं। उसकी जगह पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे। ये एक क्वेश्चन जो है 10 क्वेश्चन के इक्वल है, और अगर मैं भी उसको शो भी करूंगा, और आप उसके बाद प्रीवियस ईयर्स के सीबीएसई क्वेश्चंस पेपर को जरा एक बार चेक करिएगा, तो आपको महसूस होगा कि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सो मेनी टाइम द क्वेश्चन वॉज आस्क इन एग्जामिनेशन। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड तब हम इसके बहुत सारे रूट्स को देखेंगे, इसके बहुत सारी वेराइटी देखेंगे क्वेश्चन के। ओके, so let it be I, and what we are doing, we are applying a property. Which property? The important property जो हम इसमें apply करने वाले हैं वो 0 to a fx dx जो है वो 0 to a f a minus x dx के equal होता है। ये we know it ना। okay, so let us say 0 to pi by 2 हम property apply कर रहे हैं। so जब x minus pi by 2, चलिए एक step में लिखता हूँ, है ना, जिससे क्या होगा आगे के स्टेप्स में ये आपको हेल्प करेगा। ओके, यहाँ भी लिखते हैं, हियर वी हैव साइन एन, व्हाट वी हैव पाई बाई टू माइनस एक्स प्लस कॉस एन, अगेन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, इस हो गया ना। सो नाउ लेट अस, साइन किस में कन्वर्ट होने वाला है, अगेन हियर वी हैव जीरो टू पाई बाई टू, साइन विल कन्वर्ट इन टू कॉस ना, साइन कॉस में बदल जाएगा और ये साइन कॉस में बदल जाएगा और ये कॉस साइन में बदल जाएगा, राइट फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, अब इन दोनों को ऐड करिए तो लेट अस ऐड इट, सो टू आई सी इट इज जीरो टू पाई बाई टू, राइट, दोनों को ऐड कर रहे हैं। सो नाउ एज वी ऐड साइन एन एक्स कॉस एन एक्स होल डिवाइड बाय कॉस एन एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, सो कैंसल, राइट, सो द इंटीग्रेशन इज एक्स लिमिट जीरो टू पाई बाई टू, सो इट इज सिंपली पाई बाई टू, राइट ना। सो आई इज इक्वल टू पाई बाय फोर। सो एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द एंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, है ना, इस क्वेश्चन के हमारा आंसर कितना हो गया, हमारा आंसर जो है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिंपल पाई बाय फोर, राइट। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे देखने बहुत सिंपल लग रहा है, और इस क्वेश्चन में इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ा। सो नाउ सी अब हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं, है ना, लेट मी चेंज इट, सम चेंज करके मैं दिखाता हूँ। क्या करते हैं हम, इसको क्वेश्चन नंबर वन बोलते हैं। ओके, हमने यहां पर n की जगह पर 1 पुट कर दिया, क्वेश्चन क्या हो गया 0 टू पाई बाई टू साइन एक्स द होल डिवाइड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। एक चीज पहले ऐसे समझते हैं, यहां n था ना, हमने प्रॉपर्टी अप्लाई किया, वी अप्लाई द प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करने से इस n का कोई रोल नहीं, इस प्रॉपर्टी में हमने उनको ऐड किया और इंटीग्रेट किया, सो n डजंट प्ले एनी रोल ना, n ने कोई भी रोल इसमें प्ले नहीं किया, तो इसका मतलब n के प्लेस पे हम कुछ भी पुट करेंगे क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, है ना, क्वेश्चन पे सिंपली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर इस यहां पर जैसे मैं n को इस क्वेश्चन में 1 पुट कर दिया है, तो ये नया क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर कितना होगा पाई बाई फोर, नो डाउट इट विल बी पाई बाई फोर। सी मैंने n के प्लेस पे 1 बाई टू पुट किया है। ओके, जीरो टू पाई बाई टू वी हैव रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स, व्हाट विल द आंसर, आंसर इज पाई बाई टू। ओके, दीज टू क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन के हैं, ऑलरेडी ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लोग यहां से लेते हैं, सो सी नो आई हैव टेकिंग वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस टाइम इफ इंस्टेड ऑफ साइन की जगह पर अगर यहां पर कॉस हो जाए तो कॉस साइन एन एक्स
प्लस कॉस एन एक्स डी एक्स। सो क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आंसर अगेन पाई बाई फोर ही होगा। नहीं ना उसी, क्या करते हैं इन दोनों क्वेश्चन में, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करिए। जैसे आप साइन से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ वन हो जाएगा, साइन को डिवाइड किया वन हो गया और ये हो गया कॉट एन एक्स डी एक्स। ओके सीधा अनदर वन, क्या करते हैं इसको कॉस से डिवाइड करते हैं, है ना। सो वन वन प्लस टेन एन एक्स डी एक्स, सो सीधा अनदर वन। ओके ना मैं इसमें और क्वेश्चन ऐड कर सकता हूँ, सीधा क्वेश्चन नंबर सेवन, लेट सी अनदर वन। अभी हमने इसको साइन से डिवाइड किया था ना, कॉस से डिवाइड करिए तो कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी हैव कॉट एन एक्स। ओके कॉट एन एक्स कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, सो वी हैव कॉट एन एक्स और वन, नहीं कॉस से डिवाइड किया ना, सो अगेन डी एक्स। लेट मी क्वेश्चन नंबर एट, क्या करते हैं इसको साइन से डिवाइड करते हैं, बल्कि इसको अगर हम उसको हमने क्या किया, हमने इसी को हमने साइन से डिवाइड किया तो कॉट हो गया ना। हम वहाँ डिवाइड करेंगे तो वन मोर क्वेश्चन विच इज सेम एज दिस वन ना, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, पाई बाई फोर होगा। ओके सर ठीक है ना, एट क्वेश्चन ना, और ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, देयर विल बी नो चेंज इन एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना है, ऑल द क्वेश्चन हैविंग द सेम आंसर। मैं भी आपको सर्च करके नहीं दिखा रहा हूँ कि ये क्वेश्चन कब का बोर्ड एग्जाम में आया है, लेकिन अगर आप सीबीएसई क्वेश्चन पेपर्स को देखोगे तो आपको यही सब क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं और इस क्वेश्चन में और ऐड करेंगे, आप एक चीज़ और बताइए, हमें ये क्वेश्चन में, हमने जब यहाँ क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी अप्लाई की, वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी और ये कैंसिल हो गया, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये वो नंबर सेलेक्ट किए गए थे जो एक दूसरे में पाई बाई टू की हेल्प से कन्वर्ट होते हैं, तो हम ऐसे ही नंबर चूज कर लेते हैं, लाओ है ना, लेट अस चूज दैट टाइप ऑफ नंबर। सो नाउ माई क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस टेन एन एक्स, लिमिट पुट करते रहिए, लिमिट विल बी पाई बाई टू, लिमिट यही रहेगा, लिमिट में कोई चेंज नहीं हुआ है। सो इफ यू हैव दिस क्वेश्चन हियर यू हैव टेन कॉट डी एक्स, और इवन यू हैव सपोज कॉट में क्वेश्चन को लिखते हैं कॉट एन एक्स द होल डिवाइडेड बाय अगेन cot nx, here we have tan nx dx. Okay, one more, the limit is 0 to power 2 secant nx, here we have secant nx and cosecant nx dx. Let me add one more, that means the 12 one, 0 to power 2, kyun add karna hai batate hain, ki hum secant ki jagah cosecant lene wale hain, so we have cosecant एन एक्स, हियर वी हैव सेकेंट एन एक्स प्लस कॉसिकेंट एन एक्स डी एक्स, और ये सारे क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा। ओके इन सारे क्वेश्चन का आंसर पॉजिटिव होगा, और एन की जगह पर, इन प्लेस ऑफ एन, एन के प्लेस पे अगर हम कोई भी रैशनल, इफ वी पुट एनी रैशनल नंबर ना, अगर हम एन के प्लेस पे कोई भी रैशनल नंबर पुट करेंगे, if we choose any rational number in place of n, answer will remain same. यानी इन क्वेश्चनों के बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, सिर्फ क्या करना है कि इन सभी क्वेश्चनों में हमें एक सिंगल सा स्टेप यूज करना है कि हम एक ही मेथड यूज करेंगे, n के प्लेस पे कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। इन सारे क्वेश्चनों को, whatever question I have taken, the simple method to solve these questions are, फर्स्ट स्टेप आई लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी फोर, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का, हम स्टेप लिखेंगे, दोनों जो आएगा उसको ऐड करेंगे, एडिशन में कैंसिल हो जाएगा और आंसर पाई बाई टू आ जाएगा। ओके नाउ द अनदर वन, सी वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं ना, इंस्टेड ऑफ जीरो टू पाई बाई टू ए टू बी, वन मोर प्रॉपर्टी देयर ना, एफ एक्स डी एक्स, दिस वन इज ऑल्सो इक्वल टू ए टू बी एफ a plus b minus x dx. Okay, so now if we choose our limit in such a way
वेयर द सम, दोनों का सम 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए. ओके मैं उसी फर्स्ट क्वेश्चन को लिख रहा हूँ. ओके ना, आई हैव नॉट टेकन एनी ऑफ द क्वेश्चन, एनी अदर क्वेश्चन. ओके हमने इस तरह से क्वेश्चन ले लिया. अब सी अगेन, आई लेट अस अप्लाई द प्रॉपर्टी, इट विल रिमेन सेम, पाई बाय सिक्स टू पाई बाय थ्री. साइन इन कॉस में कन्वर्ट होगा सेम, क्योंकि 90 है ना सम उसका, ए प्लस बी 90 होने वाला है. साइन कॉस में कन्वर्ट होगा और कॉस साइन में कन्वर्ट होगा. आप जब स्टेप अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स माइनस एक्स. पाई बाई थ्री प्लस पाई बाई सिक्स 60 प्लस 30 90 होता है. दोनों को ऐड करते हैं, जैसे ही ऐड करेंगे सो व्हाट वी शैल गेट, वी शैल गेट सिंपली दिस, और आवर आंसर इज पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स. नहीं, पाई बाई थ्री क्योंकि ये टू आई है, सो डिवाइड बाय टू. ओके सो हियर इट इज टू ना, ये आई के इक्वल हो गया, लेट इट बी आई. आंसर आई के इक्वल है, दिस आंसर इज इक्वल टू आई. सो द आंसर क्या आ रहा है, 1/2 दोनों लिमिट का डिफरेंस. अगेन इन सारे क्वेश्चनों में, ये जो 12 क्वेश्चन हैं, इन ऑल दीज 12 क्वेश्चन अगर लिमिट को क्या कर दिया जाए, लिमिट को पुट कर दिया है पाई बाई सिक्स से पाई बाई थ्री, है ना, तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर भी यही होगा, 1/2 पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई सिक्स. सो इन 12 क्वेश्चन, सो दैट मीन ये 12 क्वेश्चन में इस बार लिमिट को क्या करते हैं, इन ऑल दीज क्वेश्चन लेट अस टेक द लिमिट पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री. तो आपके पास और इतने ही क्वेश्चन और आ जाएंगे, है ना, यू विल गेट द सेम क्वेश्चन, ऐसे ही और क्वेश्चन आ जाएंगे. लेट मी टेक अनदर वन, एक क्वेश्चन मैं और इस तरह का ले लेता हूँ, पर्टिकुलरली दिस टाइप ऑफ वेयर द यू एप्लीकेशन ऑफ दिस, इसी के एप्लीकेशन को हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं. वो क्वेश्चन कैसा होगा, माइट बी दैट क्वेश्चन इज लाइक दिस, आइदर जीरो टू ए रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स डी एक्स. ओके आइदर दिस वन, आप इस क्वेश्चन को बोल सकते हैं, राइट ना, या इसी में एक क्वेश्चन और है, से 0 to 5, लेट मी टेक द अदर वन, 0 to 5 एक्स प्लस 4 पावर 1/4 एंड देन अगेन एक्स प्लस 4 पावर 1/4 माइनस 9 माइनस एक्स पावर 1/4. ओके ना, हियर इज आई. लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी उसी का पार्ट है. आप इसमें प्रॉपर्टी अप्लाई करके देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी 0 to a, ये हो जाएगा a माइनस एक्स, राइट, ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा x. ऐड करेंगे 2i, वी हैव 0 to pi, सो इट इज सिंपली dx. सो द आंसर इज पाई, सो I इक्वल टू पाई बाई टू. दिस क्वेश्चन इज सेम, ये भी क्वेश्चन वैसे ही है, इट इज सेम एज दिस. सो साइन कॉस से अलग ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सो दिस मे बी द अंदर क्वेश्चन. ये एक और क्वेश्चन हो सकता है विच इज सिंपल एप्लीकेशन, जो कि एक सिंपल एप्लीकेशन है. अगर आपको चेक करना हो तो चेक करके देखिएगा. आई एम राइटिंग वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, इसी टाइप का क्वेश्चन लिख रहा हूँ, पाई बाई सिक्स टू पाई बाई थ्री वन ओवर वन प्लस रूट 10x dx. ओके और ये क्वेश्चन 2007-2011 CBSE के इन दो ईयर में ये क्वेश्चन आया है. सो सिमिलर यू फैन बोर क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमारी लिस्ट में जरूर होगा अगर हम ढूंढेंगे. वेयर इट इज, ये सी क्वेश्चन नंबर 6. ओके ना, क्वेश्चन 6 है ये, सिर्फ इस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन हो जाएगा. प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ओनली द चेंज इज द प्रॉपर्टी वन. हो सकता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा कई बार मैथमेटिक्स में थोड़ा बोरिंग हो जाता है, स्लाइटली बोरिंग, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो कई बार क्या होता है, एक ही क्वेश्चन जो है वो कई क्वेश्चनों को सॉल्व करने में हेल्प करता है. और यहाँ पर मैंने आई हैव सेलेक्टेड, मैंने क्या किया है, आई हैव सेलेक्टेड क्वेश्चन विच आर सिमिलर इन नेचर, जो कि एक जैसे नेचर के हैं, जो कि ऑलमोस्ट एक ही तरीके से सॉल्व होंगे. सो आप इन क्वेश्चनों को ट्राई करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बताइए कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपको कैसा लगा. डिफरेंस एज फॉर द डेफिनेट इंडिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग इज कंसर्न, सो आई हैव डिवाइडेड दिस टॉपिक इन 3 and 4 पार्ट्स. अगर आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखा होगा, इन विच आई हैव टेकन ए क्वेश्चन, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया है
0 to pi by 2 log sin x dx. So this is one of the important question. ये एक बहुत important question है. एक question ये हो गया. Now here is a video. जैसे हमने इस question लिए हैं. So two more videos are there. Very soon I shall upload two more videos. One having एक जिसमें कि आपको problems मिलेंगी जो mod based function होगा, mod function का integration, integration of mod function, and the another one, the important question. वो important question कुछ इस तरह से है. जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं ना, वैल्यूएबल प्लेयर्स, जिनको हम टीम में 15 में से 11 को सेलेक्ट करते हैं किसी पर्टिकुलर मैच के लिए. इन द सेम वे आई हैव सेलेक्टेड 11 बेस्ट क्वेश्चंस फॉर यू. ये तो नहीं कहेंगे कि वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, लेकिन उन क्वेश्चनों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और सीबीएसई क्वेश्चन पेपर से सिलेक्ट किया गया है. अब प्रीवियस ईयर सीबीएसई जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से उन क्वेश्चनों को कलेक्शन बनाया गया है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको टॉपिक को समझने में और प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं. सो जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा. वेट फॉर द अनदर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.